चौंक उठे पुजारी, सरे आम पानी में तैरने लगा शालिग्राम पत्थर। जिसने भी इस अद्भुत नजारे को देखा वो हक्का बक्का रह गया और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शालिग्राम के इस चमत्कार को देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए और नास्तिक भी भगवान को मानने को मजबूर हो गए। गहरे पानी में शालिग्राम पत्थर को तैरता देख चौंक उठे सब। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन शालिग्राम पत्थरों के साथ? दरअसल जब से नेपाल ने इन शालिग्राम पत्थरों को भारत भेजा है, तब से ये पत्थर सभी राम भक्तों के बीच आस्था का केंद्र बने हुए हैं। माना जा रहा है माता सीता और प्रभु श्री राम की मूर्तियों का निर्माण इन्हीं पत्थरों से होगा। आने वाले दिनों में ये पत्थर सीता राम का आकार लेने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए इन पत्थरों को देखने के लिए आए दिन भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ रही है। लेकिन इसी बीच इन शालिग्राम पत्थरों से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद आप स्वयं यकीन नहीं कर पाएंगे। तो इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवद गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। दरअसल ये अद्भुत चमत्कारी कहानी संत रविदास जी के जीवन काल की है। संत रविदास जी अपने समय के एक प्रसिद्ध ज्ञानी संत थे। वे ईश्वर के प्रति समर्पित थे, हमेशा भक्ति में लीन रहते थे तथा दूसरों को भी भक्ति का ज्ञान दिया करते थे। मूल रूप से काशी में जन्मे संत रविदास जी की बनारस में बड़ी ख्याति थी। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दराज से आते थे। इस प्रकार संत रविदास जी की ख्याति बनारस से निकलकर दूर दराज तक फैलने लगी। एक दिन संत रविदास जी ने प्रयागराज जाने का निश्चय किया और अपने सभी अनुयायियों के साथ प्रयाग की ओर निकल पड़े। लेकिन तब तक संत रविदास जी की ख्याति इतनी अधिक हो चुकी थी कि उनके वहां आने की खबर उनसे पहले पहुंच गई। इसलिए वहां उनके भक्तों का तांता लग गया। लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े और सब उनका इंतजार करने लगे। लेकिन प्रयाग में केवल भक्त और श्रद्धालु ही रविदास जी का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि नास्तिक और अधर्मी भी उनकी राह ताक रहे थे। उन दिनों उस स्थान पर नास्तिक लोगों की संख्या अधिक थी। वे संत रविदास जी को एक पाखंडी मानते थे और उनसे मिलकर उनको गलत साबित करना चाहते थे। जैसे ही प्रयाग में संत रविदास जी का आगमन हुआ, वहां उनके भक्त इकट्ठे हो गए। सब में रविदास जी से मिलने की होड़ लग गई। सभी रविदास जी को सुनना चाहते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन संत रविदास जी के भक्त तब चौकन्ने हो गए जब वहां कुछ नास्तिकों का आगमन हुआ। उन्होंने संत रविदास जी को चुनौती देते हुए उन्हें पाखंडी कहा। उनके अनुसार भगवान और चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो भगवान की बातें करता है वो ढोंगी है। अधर्मियों द्वारा कहे इन शब्दों को सुन रविदास जी के भक्त क्रोधित हो गए और उन्होंने नास्तिकों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तभी संत रविदास जी ने अपने भक्तों को रोकते हुए नास्तिकों से बात की और उन्हें ईश्वर से अवगत कराया। लेकिन नास्तिकों ने रविदास जी की बातों को नकारते हुए उनको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वे सच्चे सिद्ध पुरुष हैं तो कोई चमत्कार करके दिखाएं। अगर उनके फेंके पत्थर
पानी में तैरने लगे तो वे ना सिर्फ भगवान बल्कि उनकी शक्तियों को भी मान लेंगे। नास्तिकों द्वारा दी गई चुनौती को सुनने के बाद सभी भक्तों की नजर संत रविदास जी पर जा टिकी। सब ये सोचने लगे कि क्या रविदास जी इन पापियों की चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं। रविदास जी ने उन नास्तिकों की चुनौती को स्वीकार किया और पास में पड़े एक पत्थर को एक नदी में फेंक दिया। रविदास जी द्वारा फेंका हुआ वो पत्थर पानी में नहीं डूबा। ये अद्भुत नजारा देख सभी चौंक गए, भक्त रविदास जी का जय जयकार करने लगे और नास्तिकों को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। नास्तिकों ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और संत रविदास जी से क्षमा याचना करने लगे। वास्तव में संत रविदास जी ने जिस पत्थर को पानी में फेंका था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण रूपी शालिग्राम पत्थर था। शालिग्राम पत्थरों का न सिर्फ धार्मिक और पौराणिक बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ये पवित्र पत्थर काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, जिसे नेपाल में शालिग्रामी नदी और भारत में इसे सप्त गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। हिमालय से निकलकर नेपाल से बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के गर्भगृह में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में खुद का वास बताया है। जिस प्रकार भगवान शिव का विग्रह या निरंकार स्वरूप शिवलिंग को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप माना जाता है। अगर आज के समय में भी आप इन शालिग्राम पत्थरों को देखें तो इन पर श्रीहरि के चक्र और गदा के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। शुद्ध और पवित्र शालिग्राम पत्थरों का मिलना आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है। असली शालिग्राम पत्थरों को तराशने में वर्षों बीत जाते हैं और नेपाल से आई ये दो विशाल पत्थर उसी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से होगा, यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। चाहे रामलला की मूर्ति के निर्माण का कार्य हो या रविदास जी की कहानी, शालिग्राम पत्थर हर काल में पूजनीय रहे हैं। तो आपको शालिग्राम पत्थर की अद्भुत कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।